तो आज हम मार्वल की एक बहुत ही पॉपुलर कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है सिविल वॉर। ये कॉमिक सीरीज टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर हम इसकी पूरी स्टोरी को 3 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, ताकि आप बिना बोर हुए इस पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकें। और वैसे तो मार्वल स्टूडियो सिविल वॉर कॉमिक से इंस्पायर होकर एमसीयू के अंदर एक मूवी भी बना चुका है, जिसका नाम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर है। लेकिन तब भी मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारी सीरीज को जरूर देखें, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मूवी के अंदर हमें इस कॉमिक का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है, और मार्वल की ये पूरी कॉमिक सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए आइए आज इस कॉमिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मार्वल सिविल वॉर कॉमिक सीरीज की कंप्लीट स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत स्टैनफोर्ड शहर से होती है, जो शहर न्यूयॉर्क सिटी के पास है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सुपर हीरोज जेल से भागे हुए कुछ सुपर विलन्स को पकड़ने आते हैं। ये सुपर हीरोज इस पूरे कारनामे की शूटिंग भी करवा रहे होते हैं, ताकि वो इसे अपने रियलिटी शो पे दिखा सके। वो सुपर हीरोज उन विलन्स को पकड़ने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी वो विलन्स उन हीरोज को देख लेते हैं, जिसके बाद वो सब धीरे धीरे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सब वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही सुपर हीरोज की टीम उन विलन्स के ऊपर हमला कर देती है। लड़ते लड़ते उनके बीच की फाइट बहुत खतरनाक हो जाती है, पर तभी उनमें से एक सुपर विलन जिसका नाम नाइट्रो होता है वो वहाँ से भागने लग जाता है, जिसे देखकर एक सुपर हीरो उसका पीछा करती है और वो नाइट्रो को पकड़कर उसे सीधा एक पास की स्कूल बस के ऊपर दे मारती है। इस वजह से नाइट्रो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इतना गुस्सा होने की वजह से वो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। नाइट्रो के उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ के आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर 800 लोग मारे जाते हैं और उन मरने वालों में ज्यादातर पास के स्कूल के बच्चे होते हैं। इस घटना के कुछ घंटों बाद बहुत सारे सुपर हीरोज उस जगह पर आते हैं और वो वहाँ के मलबे में दबे लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीम की हेल्प करते हैं। इसके आगे हम टीवी पर शी हल्क को देखते हैं, जो कि न्यूज रिपोर्टर से सुपर हीरोज के बारे में बात कर रही होती है। यही हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट सुपर हीरोज के ऊपर बैन लगाना चाहती है, पर शी हल्क वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर से कहती है कि सुपर हीरोज के ऊपर बैन लगाना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को उनके ऊपर बैन लगाने की बजाय उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए और अपने अंडर काम करवाना चाहिए। इसके आगे हम एक चर्च को देखते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर मरे हुए लोगों के लिए प्रे कर रहे होते हैं। उसी चर्च के अंदर सभी सुपर हीरोज को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ टोनी स्टार्क भी आया होता है। प्रे खत्म होने के बाद जैसे ही टोनी स्टार्क चर्च से बाहर निकलता है, वैसे ही एक लेडी उसके मुंह पर थूक देती है और टोनी को गंदी गंदी गालियां देती है। टोनी स्टार्क उस लेडी से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, लेकिन सच में मेरा उस घटना से कोई लेना देना नहीं है और मैं तो उन सुपर हीरोज को ढंग से जानता भी नहीं हूँ। पर वो लेडी टोनी स्टार्क से कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर कौन एवेंजर्स के लिए फंडिंग करता है? कौन है वो जो इन सबको सिखाता है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर वो सुपर हीरोज की कॉस्ट्यूम पहनेंगे? बताओ वो कौन? इसके बाद वो लेडी जाते जाते टोनी स्टार्क से बोलती है कि मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। इसके बाद हमें एक न्यूज चैनल का सीन दिखाया जाता है, जिस चैनल के ऊपर न्यूज रिपोर्टर्स बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या आप सुपर हीरोज के रजिस्ट्रेशन करवाने का वक्त आ गया है। इसके आगे हम फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक बार में जा रहा होता है। उस बार के अंदर उसे एक वीआईपी एंट्री मिलती है, जिसे देखकर वहाँ पास खड़े कुछ लोग ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि जॉनी स्टॉर्म को ये वीआईपी एंट्री क्यों मिल रही है। ये बात सुनते ही जॉनी स्टॉर्म उन सबसे बोलता है कि तुम्हें भी ऐसी वीआईपी एंट्री मिल सकती है अगर अगली बार तुम पूरी दुनिया को गैलेक्टस से बचा पाए तो। पर जॉनी स्टॉर्म की ये बात सुनते ही वहाँ खड़े कुछ लोग बोलते हैं कि तुम सिर्फ छोटे बच्चों के हथियारे हो और कुछ नहीं। और फिर तभी एक आदमी पीछे से जॉनी के सर के ऊपर एक कांच की बोतल मार देता है, जिससे जॉनी स्टॉर्म वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर वहाँ खड़े सारे लोग मिलकर जॉनी को बहुत मारते। इसके बाद हम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि सभी सुपर हीरोज को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ताकि सुपर हीरोज गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर काम करें और उससे पब्लिक भी सेफ फील करेगी। इसके बाद सारे सुपर हीरोज मिस्टर फैंटास्टिक के घर पर इकट्ठा होते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट सही है या फिर गलत। यहीं पर डिस्कस करते हुए वास्प कहती है कि हमारी गवर्नमेंट चाहती क्या है, यही कि हम उनके गुलाम बनकर रहें और सिर्फ वही करें जो वो चाहते हैं। इसी के आगे ल्यूक केज कहता है, मुझे लगता है गवर्नमेंट हम सबके ऊपर बैन लगाना चाहती है। पर ये सारी बातें सुनकर आयरन मैन कहता है कि गवर्नमेंट हमें जिम्मेदारी से काम करना सिखा रही है। मेरे हिसाब से ये रजिस्ट्रेशन एक्ट बिल्कुल सही है। स्टैनफोर्ड शहर में जो भी हुआ वो सब इसी बात का संकेत है कि अब हम सबको रजिस्ट्रेशन करवाई लेना चाहिए, ताकि पब्लिक भी हमसे सेफ फील करे। ये सारे सुपर हीरोज इतनी डिस्कशन इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट की 3 मेन शर्तें होती हैं। पहली ये कि सारे सुपर हीरोज दुनिया
दुनिया को अपनी असली पहचान बताकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। दूसरी, जो भी सुपर हीरो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा वो कोई और काम ढूंढ ले। और तीसरी, अगर कोई सुपर हीरो बिना रजिस्ट्रेशन के अपना काम करते हुए पाया गया तो उसे उठाकर सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। सभी सुपर हीरोज इन बातों के ऊपर डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आता है और सबसे बोलता है कि अगर गवर्नमेंट सुपर हीरोज के ऊपर अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए प्रेशर बनाएगी तो शायद ज्यादातर सुपर हीरोज अपना काम करना ही छोड़ देंगे। लेकिन ये बात सुनते ही सू स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमन बोलती है कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में दिक्कत ही क्या है, मेरे हिसाब से दुनिया को अपनी असली पहचान बताने में किसी भी सुपर हीरो को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम फैंटास्टिक फोर तो हमेशा से पब्लिक के सामने है और हमारी आइडेंटिटी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पर फिर स्पाइडरमैन सू स्टॉर्म से कहता है कि हमारी सीक्रेट आइडेंटिटी हमारे खुद के लिए नहीं बल्कि हमारी फैमिलीज के लिए है, ताकि कभी कोई सुपर विलन हमसे बदला लेने के लिए हमारी फैमिलीज को नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद हम कैप्टन अमेरिका को शील्ड हेलीकॉप्टर के अंदर देखते हैं, जहां पर वो शील्ड की कमांडिंग हेड मारिया हिल से बात कर रहे होते हैं। मारिया हिल कैप्टन से पूछती है कि आगे क्या होने वाला है कैप्टन। ये सुनकर कैप्टन बोलते हैं कि ये सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट सभी सुपर हीरोज को आपस में ही बांट देगा। आगे मारिया हिल कैप्टन से पूछती है, कैप्टन आपके हिसाब से कौन कौन इस एक्ट के खिलाफ जाएगा। जिस पर कैप्टन बोलते हैं, जो भी सुपर हीरो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उन सभी को इस एक्ट से बहुत मुश्किल हो सकती है, इसीलिए वो सब इस एक्ट के खिलाफ ही होंगे, जैसे कि डेयरडेविल, ल्यूक केज और स्पाइडरमैन। पर ये सुनते ही मारिया हिल बोलती है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन सबको तो आप संभाल ही लोगे। ये बात सुनकर कैप्टन थोड़े दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि मारिया हिल ने ऐसा क्यों बोला है। आगे मारिया हिल बोलती है, आने वाले 2 हफ्तों में रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए वोटिंग होने वाली है, पर हमें पता है कि उसमें बहुत से सुपर हीरोज इस एक्ट के खिलाफ होंगे, लेकिन हमारे पास एक प्लान है। हमने एक एंटी सुपर ह्यूमन रिस्पॉन्स टीम तैयार कर ली है और हम चाहते हैं कि आप उस टीम को लीड करें और जो भी सुपर हीरो इस एक्ट के खिलाफ जाए आप उसे पकड़कर जेल में डाल दें। ये सुनते ही कैप्टन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं उन सबको अरेस्ट कर भी कैसे सकता हूं जो कि हर रोज अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन मारिया हिल बोलती है, कैप्टन मैं तो सिर्फ वही कह रही हूं जो कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है। पर तब भी कैप्टन ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। फिर इसी के बाद शील्ड के सारे एजेंट्स मारिया हिल के कहने पर कैप्टन के ऊपर अपनी गन्स को एम कर लेते हैं। ये सब देखकर कैप्टन समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट सभी सुपर हीरोज के ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्ट को जबरदस्ती थोपना चाहती है। इसके बाद ही मारिया हिल कैप्टन के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देती है, जिसके बाद सभी शील्ड एजेंट्स कैप्टन पर अटैक कर देते हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका उन सबको पेल देते हैं और शील्ड के उस हेलीकॉप्टर से कूदकर भाग जाते हैं। इसके बाद वॉशिंगटन डीसी में हम व्हाइट हाउस को देखते हैं, जिसके बाद बहुत से लोग सुपर हीरोज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलकर कुछ सुपर हीरोज के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और उन सुपर हीरोज में आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक भी होते हैं। प्रेसिडेंट आयरन मैन से कहते हैं कि कल रात को कैप्टन के ऐसे भागने की वजह से अब बहुत से सुपर हीरोज कैप्टन के सपोर्ट में आ गए हैं और इसीलिए वो सुपर हीरोज इस एक्ट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन यह सुनकर आयरन मैन बोलता है कि प्रेसिडेंट आप रजिस्ट्रेशन एक्ट को जारी रखिए और कैप्टन अमेरिका को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इसके बाद हम वल्चर और ग्रिम रीपर को देखते हैं, जो कि एक अंधेरी जगह पर जंजीरों से बंधे होते हैं। यहीं पर शील्ड एजेंट्स उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर मारिया हिल तक पहुंचा रहे होते हैं। मारिया हिल को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन सब की ये हालत कैप्टन अमेरिका ने की है, जिसे जानकर मारिया हिल ये भी समझ जाती है कि कैप्टन के साथ और भी कई सुपर हीरोज हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर ही शील्ड को ऐसे 15 सुपर विलन्स मिले थे जो कि वल्चर की तरह ही बहुत बुरी हालत में थे और कैप्टन के लिए सब अकेले कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मारिया हिल ये पूरी तरह से समझ जाती है कि कैप्टन अमेरिका के साथ और भी बहुत सारे सुपर हीरोज मिले हुए हैं। इसके अगले दिन न्यूज़पेपर में एक खबर छप जाती है कि कैप्टन अमेरिका रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ हैं और आयरन मैन इस एक्ट के सपोर्ट में है। इसके आगे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हम मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन और शीहल के साथ साथ और भी कई सुपर हीरोज को देखते हैं, जिन्होंने वहाँ शहर के अंदर एक डूम बोर्ड को हरा दिया होता है। ये देखकर आसपास के लोग सुपर हीरोज के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। आयरन मैन सभी सुपर हीरोज से कहता है कि अब सब लोग सुपर हीरोज के ऊपर फिर से भरोसा करने लगे हैं। लेकिन तभी शीहल्क आयरन मैन से पूछती है, मुझे ये बताओ कि अब हम में और शील्ड एजेंट्स में क्या फर्क रह गया है, हम भी अब उन्हीं की तरह सर झुकाकर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मानते हैं। लेकिन ये सुनकर आयरन मैन बताता है कि ऐसी बात नहीं है, हम अभी भी सुपर हीरोज हैं, हम उन आम लोगों से बहुत अलग हैं, हम लोगों की जान बचाते हैं। तभी टिग्रा आयरन मैन से पूछती है कि कैप्टन अमेरिका का क्या, जिस पर आयरन मैन बोलता है कि इस बार कैप्टन अमेरिका गलत है और हम सही हैं। इसके आगे हम मिस्टर फैंटास्टिक को देखते हैं, जो कि अपनी लैब के अंदर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का आइडिया टोनी स्टार्क और हैंक पिम मिलकर सोचते हैं और वो इसे पूरा करने के लिए मिस्टर फैंटास्टिक से कहते हैं। उसी टाइम पर वहां पर सू स्टॉर्म आती है, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक से कहती है कि जिन भी सुपर हीरोज ने रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर साइन नहीं किया है हमें उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए,
क्योंकि आखिर वो भी हमारे दोस्त ही हैं। पर मिस्टर फैंटास्टिक सू स्टॉर्म की ये बात सुनकर कहते हैं कि जो भी सुपर हीरोज रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ हैं, वो सब हमारी सोसाइटी के लिए भी खतरा हैं। तभी सू स्टॉर्म का ध्यान पास में रखी एक डिस्क के ऊपर जाता है जिस पर लिखा होता है 42। सू स्टॉर्म जैसे ही 42 लिखे हुए उस डिस्क के बारे में मिस्टर फैंटास्टिक से पूछती है, वैसे ही मिस्टर फैंटास्टिक उससे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सीक्रेट है, इसीलिए वो इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। लेकिन सू स्टॉर्म ये सुनकर कहती है कोई बात नहीं, और फिर वो वहां से सीधा हॉस्पिटल चली जाती है अपने भाई जॉनी स्टॉर्म से मिलने। इसके आगे हम टोनी स्टार्क और उसके दोस्त हैप्पी को देखते हैं, जो कि टोनी स्टार्क के पेंट हाउस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हैप्पी टोनी स्टार्क को बताता है कि अब तक रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर 38 सुपर हीरोज ने साइन कर दिए हैं। पर यह सुनकर हैप्पी से पूछता है क्या कैप्टन की कोई खबर मिली, जिस पर हैप्पी जवाब देता है कि कैप्टन इस एक्ट के खिलाफ है और इसीलिए वो अपनी एक टीम बना रहे हैं उन सभी सुपर हीरोज की जो सब इसके खिलाफ है। इसके बाद टोनी स्टार्क सोच में पड़ जाता है और ये सोचने लगता है कि क्या वो सही है या फिर कैप्टन ही सही है। इसके बाद इसी रात को 12 बजते हैं और 12 बजने के साथ ही रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो जाता है। और इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के लागू होने का मतलब यही था कि जिन भी सुपर हीरोज ने इस एक्ट के ऊपर साइन कर दिया है वो सभी अब गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, और जिन्होंने भी साइन नहीं किया है उन सभी को गवर्नमेंट पकड़कर जेल में डाल देगी। इसके बाद ही हम पेट्रियट को देखते हैं जो कि रात के समय शील्ड एजेंट से बचता हुआ भाग रहा होता है। पेट्रियट बचते हुए सीधा एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वहां जाकर अपने बाकी के साथियों को शील्ड एजेंट्स के बारे में बताता है, पर वो उन सबसे ये भी कहता है कि शायद से शील्ड एजेंट्स ने उन सबको देख लिया है और उन्हें उनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। इसके तुरंत बाद ही शील्ड एजेंट्स उस बिल्डिंग के अंदर एक ग्रीन बॉम्ब देकर मारते हैं, जिस वजह से उस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शील्ड एजेंट्स ने यंग एवेंजर्स की टीम को भी अरेस्ट कर लिया है और अब वो उन सबको पकड़कर एक खुफिया जगह पर लेकर जा रहे हैं। यहीं से कहीं बहुत दूर डेयर डेविल अपने एक साथी के साथ यंग एवेंजर्स को देख रहा होता है और उन्हें अरेस्ट होते हुए देखकर डेयर डेविल अपने साथी से कहता है कि क्या उन्हें यंग एवेंजर्स को बचाने के लिए जाना चाहिए, जिस पर उसका साथी कहता है कि कैप्टन और फाल्कन पहले उस जगह पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम उसी बस को देखते हैं जिस बस के अंदर शील्ड के एजेंट्स यंग एवेंजर्स को एक जगह पर ले जा रहे होते हैं। उसी बस के आगे की तरफ एक एजेंट उस बस के ड्राइवर से कहता है, ये छोटे छोटे बच्चे पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ इनसे एक साइन करने के लिए कह रही है, ऊपर से गवर्नमेंट इन्हें इनकी हीरोगिरी के लिए पैसे भी देगी, लेकिन इनके दिमाग से ये सीक्रेट आइडेंटिटी वाली बात निकलती नहीं है। लेकिन कोई नहीं, अब इन सबकी बैंड बजने वाली है क्योंकि अब इन सबको बिल्डिंग 42 में ले जाया जा रहा है और ये बिल्डिंग तो इतनी सीक्रेट है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता है। पर ये सारी बात सुनते ही वो ड्राइवर कहता है, तुम बहुत बोलते हो, और ये कहकर वो ड्राइवर उस एजेंट को लात मारकर बस से बाहर गिरा देता है। इसके बाद ही हमें पता लगता है कि कैप्टन अमेरिका और फाल्कन ने मिलकर इस बस को हाईजैक कर लिया है। इसकी जानकारी शील्ड एजेंट्स को मिलते ही वो सभी बस के रास्ते में एक बैरिकेड लगा देते हैं और उस बस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करने लगते हैं। पर ये सब देखकर कैप्टन फाल्कन से कहते हैं कि हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, और कैप्टन की बात सुनकर फाल्कन विकन से कहता है कि अपने टेलीपोर्टेशन की पावर्स को यूज करके हम सबको यहां से टेलीपोर्ट करो। जिसके बाद विकन बहुत कोशिश करने के बाद अपने स्पेल को सक्सेसफुली कास्ट कर लेता है और अपने सारे साथियों के साथ उस पूरी बस को ही एक सीक्रेट जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। यहां आते ही हम डेयर डेविल और केबल को देखते हैं जो कि सभी यंग एवेंजर्स को बताते हैं कि वो लोग शील्ड के एक खुफिया अड्डे पर है और ये शील्ड का इतना खुफिया अड्डा है कि इसके बारे में निक फ्यूरी के अलावा और किसी को भी नहीं पता है, और इस टाइम पर खुद निक फ्यूरी भी छुपते फिर रहे हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। इसके बाद उन सभी का ध्यान पास में चल रहे टीवी पर जाता है और टीवी में देखते ही हमें ये दिखता है कि टोनी स्टार्क एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। सभी सुपर हीरोज यही सोच रहे होते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होने वाला है, और फिर तभी हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क उस जगह पर स्पाइडरमैन को बुलाता है। यहाँ आकर स्पाइडरमैन सबसे बोलता है कि मुझे आज तक आप सभी ने सिर्फ इस मास्क के अंदर देखा है, लेकिन आज सब कुछ सोचने और अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद मैं एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हूँ। और फिर ये सब बोलने के बाद ही स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार देता है और सभी लोगों को बताता है कि मेरा नाम पीटर पार्कर है और मैं जब 15 साल का था मैं तभी से स्पाइडरमैन हूँ, क्या कोई मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहता है। और फिर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यही सिविल वॉर कॉमिक सीरीज का पहला पार्ट था। इसके आगे के दो पार्ट भी हम बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं, इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसके अलावा अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल की और भी ऐसी कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कई कमाल की वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली वहां से क्लिक करके या फिर हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।